वेलकम टू सो गाइस जी न्यूज़ बीबी के हमेशा सच का साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुरु। और आइए आज आपको हम लिए चलते हैं कैथल के एक गांव तारागढ़ में, जहां पर कि चौंका देने वाला सच। आखिर एक शख्स ने ऐसा काम किया है चौंका देने वाला कि उन्हें इस काम को करने की आखिर क्या ज़रूरत पड़ी थी, क्यों किया उन्होंने। सवाल ज़्यादा हैं लेकिन जवाब एक ही आपको चुप्पी साथ देगा। आइए लिए चलते हैं आपको राजेश चौकीदार के घर कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अभी सारे सवाल आपके सामने हैं और जवाब भी आपके सामने है। अभी देखते हैं, आइए लिए चलते हैं आप सीधे उनके घर। जैसा कि राजेश जी, हमें पता चला कि आपने इतना बड़ा काम कर दिया है, एक चुनौती भरा काम है। यदि एक नॉर्मल इंसान चाहे तो इस तरह का काम करने में 10 बार सोचेगा और 10 बार सोचने के बाद भी मजबूर नहीं, ये काम कर नहीं पाएगा। तो आपने वो काम कर दिखाया, उस काम के बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारे दर्शक हमारे साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं और हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि हम इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचा सकें। तो आइए बातें साझा करते हुए, सवाल अनेक हैं लेकिन जवाब केवल एक ही आपकी चुप्पी साथ देगा। तो हमारे साथ तारागढ़ के चौकीदार राजेश जी मौजूद हैं इस वक्त, आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आप बताइएगा कि हमें पता चला कहीं से कि आपने ये काम किया है, आखिर आपको क्या आन पड़ी थी ये काम करने के लिए, आप समाज को इस बारे में क्या कहना चाहोगे? जी, सबसे पहले तो मेरे दर्शकों को, देखने वाले को, जी न्यूज़ बीबी के चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर और लाइक भी करें। जी, मैंने जो ये काम किया है, एक गुड़िया गोद ली है मैंने। और अच्छा, बहुत सबसे बड़ा काम है कि आपने गुड़िया को गोद लिया। लोग बेटों को गोद लेते हैं, आज आपने गुड़िया को गोद लिया। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे पास लड़के नहीं थे, तो इसलिए मैंने, एक लड़की की इच्छा थी लेने की, तो इसलिए मैंने बहुत ही मान सम्मान के साथ लड़की को गोद लिया। तो मैं इस बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि बताऊँ जी, जो लड़की है उसके मान सम्मान के लिए सभी को अपने मन में श्रद्धा भाव से मान सम्मान करना चाहिए। और जो मैंने ये लड़की गोद ली है, इसके पालन पोषण में और देखभाल में कभी भी मतलब मैं ऐसी कमी नहीं आने दूंगा जो मतलब कमी महसूस हो है। तो मतलब बहुत ही बढ़िया परवरिश करूंगा, पढ़ाई की भी, पालने की भी, और सभी के लिए मतलब बहुत परवरिश करूंगा। देखिए राजेश जी, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इतिहास भी गवाह है। IPS, IAS और तहसीलदार, VDO, इस तरह में काफ़ी लड़कियां, मतलब डिपार्टमेंट में आज लड़कियां हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जैसे आपको बात की जाए तो किरण बेदी लगा लो, किरण बेदी, कल्पना चावला और मीराबाई हो गई, और इस तरह की काफ़ी IAS, IPS अधिकारी आज तक लड़कियां ही बनकर उभर कर सामने आई हैं। लेकिन हम ज़्यादा जोर लड़कों पर देते हैं, लड़कियाँ भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, बहुत बढ़िया आपने विचार किया, और मैंने भी, मेरे दिल में ये बड़ी उम्मीद है भाई, लड़की भी बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन सबसे पहले तो अपने माँ बाप का ही फ़र्ज बनता है, सबसे पहले भाई अपने लड़की को पढ़ाना, सबसे बढ़िया देखभाल करना, पढ़ाना, और आगे फिर लड़की पे डिपेंड होता है। तो अच्छी तरह पढ़े, परवरिश हो अच्छी तरह जी, और आगे भी मतलब कोशिश करें बच्चे भविष्य के लिए। जी, जब गांव वालों को पता चला तो मेरे गांव वालों ने, तारागढ़ वालों ने बहुत ही सराहना की है। उन्होंने बोला भाई, आपने जो लड़की गोद ली है, बहुत ही बढ़िया काम किया आपने भाई, लड़की का मान सम्मान किया, लालन पोषण करेगा भाई, पढ़ाएगा लिखाएगा, बहुत बढ़िया काम करा आपने, जो किया बहुत ही बढ़िया किया। तो इस वक्त हमारे साथ राजेश के अलावा और काफ़ी ग्रामीण भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आइए उनसे बातचीत साझा करते हुए उनका क्या कहना है इसके बारे में।
जी हाँ, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी मेरा नाम संजय है। तो आप जिस तरह से राजेश जी ने लड़की को गोद लिया है, तो आपके रिश्तेदारी परिवार नातों में कुछ ना कुछ लगती है, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि लड़की को गोद लिया है, आगे उसकी परवरिश में किसी तरह की कोई खामियां ना रहें, आपको आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हो? जी समाज को तो मैसेज यही देना चाहेंगे, तो ये मेरा छोटा भाई है, मेरे से छोटा है, ये बड़ा भाई है, इससे बड़ा और भी है एक और, तो भाई ने कदम उठाया कि भाई लड़की गोद ले वहाँ, तो हमारे लेडीजों के भी और हमारे भी जो हमारी बहनें हैं रिश्तेदार हैं काफ़ी, उनकी भी राय बनी कि बहुत अच्छा काम है, ले अच्छी बात है। इस पे भी लड़की नहीं थी, मेरे पे भी लड़की नहीं थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा हमारे हाथों से भी मतलब कि नादान हो जाए तो अच्छी बात है, तो मतलब यही सोचा कि भाई पालन पोषण करेंगे बढ़िया अच्छा, पढ़ाई लिखाएंगे, तो हम खा रहे हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हम, और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। जी हाँ बताइए। जी लड़कों को तो हर कोई गोद लेता है, मैंने तो हमने कदम उठाया कि भाई हम लड़की को गोद लेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सोनू है जी। सोनू जी, आपने ये लड़की को गोद लिया है, आपको आपने क्या सोच कर लिया है, आखिर इसकी पालन पोषण में आपको किसी तरह की कोई? बस ये सोचा जी, दो लड़के थे अपना, एक लड़की भी जरूरी है जी। अच्छा मतलब लड़के थे, आपने लड़की को गोद लिया है? हाँ जी, लड़की की मैंने जरूरत थी जी अपना। क्या नाम है इस गुड़िया का? जरा मैं दिखा कहूँगा कैमरामैन से, एक बार सामने लेकर आए गुड़िया को दिखाए, क्या नाम है इनका? अनिका जी। देखिए जरा, ये लड़की को गोद लिया है, इन्होंने इसका पालन पोषण पूरा करने के लिए और जिस तरह से आगे पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से करवाएंगे ये लोग, और देखो भी ये मैसेज जाए कि हमें बेटियों को कितना ख्याल रखना चाहिए। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, जमा खुशी खुशी हो रही जी, उदन की आ रही है, दो महीने हो गए जी आई ना, और अपना बढ़िया तरिया सारा परिवार खुशी खुशी रखा है इसने। जिस तरह की आपकी सोच है, कई औरत लेडीज होती हैं वो सोचती हैं नहीं नहीं ये तो बहुत बुरा काम है, लड़की को गोद लिया बुरा तो किसी ने नहीं होती हैं, कई इस तरह के काफ़ी सवाल सामने आते हैं, उनको आपने फेस किया फिर भी आपने लड़की को गोद लिया, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सारे नजमान वो है जी अपना ले लो, मेरी रिश्तेदार भी पूछे जी, नणंद भी पूछी, सारा परिवार हम बहुत खुश थे जी अपना लड़की लेने पर, सारे बोले भी बहुत बढ़िया काम किया और भी अपना ले लो। तो इस वक्त मैं तारागढ़ की सरपंच साहिबान मंजू देवी के पास मौजूद हूँ, तो आइए इनसे बातचीत साझा बातचीत करते हैं कि राजेश जी ने जो इनके गांव के चौकीदार ने लड़की को गोद लिया है उसके बारे में इनका क्या कहना है, जरा बात करेंगे मंजू जी से। जी मंजू जी, मैं ग्राम पंचायत तारागढ़ की ओर से राजेश भाई को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूँगी, जो उन्होंने इतना शुभ कार्य किया है बेटियों के ऊपर, जो इतना अच्छा मैसेज दिया है। राजेश के पहले दो बेटे हैं, इन्होंने अपने परिवार की कमी को पूरा करने के लिए एक बेटी को गोद लिया है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि बेटियाँ घर की शान होती हैं, इसके बिना परिवार अधूरा है, और मैं राजेश भाई का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने अपने परिवार को पूरा करने के लिए अपने परिवार में एक बेटी को शामिल किया। मंजू जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, जिस तरह से पहले की अपेक्षा पहले बेटियों को बहुत जल्द शादी कर दी जाती थी, बचपन में ही शादी की जाती थी, धागा बंदी की जाती थी, मांग लिया जाता था, पहले की अपेक्षा कितना फ़र्क है, और आप इस बारे में मैसेज क्या देना चाहते हो? आजकल की लड़कियाँ जिस तरह से अगर बात की जाए तो इस बात का इतिहास भी गवाह है, कल्पना चावला और किरण बेदी और महारानी लक्ष्मीबाई। देखो ये तो समाज का एक बदलाव है, और ये बदलाव हमारी टेक्नोलॉजी के साथ साथ, घर के लोगों के साथ साथ, हमारी बेटियों ने जो अच्छे काम किए समाज में उसके कारण ये हुआ है। ये समाज पहले क्या था, पुरुष प्रधान समाज था, लेकिन आज धीरे धीरे लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, समाज का नाम रोशन कर रही हैं, इस कारण से समाज में बेटियों को सम्मान मिला है। देखो अपनी बेटियों को पालन पोषण में क्या आता है, बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, बड़े बड़े IPS बनाओ, कोई IAS अधिकारी बनाओ, कोई DC रेट बनाओ, पढ़ाओ, और उनको सबसे बड़ी बात यह है कि हम पढ़ा लिखा तो देते हैं, लेकिन आजकल क्या बेटियां कुपोषण का शिकार होती जा रही हैं, उस तो खान पान की कमी है, हमें इसलिए बचपन से ही बेटियों के कुपोषण का ध्यान रखना चाहिए, उसके खान पान के बारे में धीरे धीरे उसका ध्यान रखना चाहिए।
सिर्फ पहले क्या होता था, बेटों को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, उनको खान पान की तरफ लड़कियों की ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन आज धीरे धीरे समाज बदल रहा है, लेकिन कुछ आज समाज में ऐसे पिछड़े लोग हैं जो बेटियों पर ध्यान नहीं देते। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, राजेश भाई को भी बोलना चाहूँगी, सिर्फ पढ़ाना लिखाना नहीं, उसके पालन पोषण पर पूरा ध्यान लीजिए, अच्छा खाना अच्छा पहनना। और मैं बेटियों को भी ये कहना चाहूँगी कि अपने माँ बाप की, जिस तरह आपका माँ बाप आपको पालन पोषण करते हैं, आप भी उनकी इज्जत का, उसका मान सम्मान का ध्यान रखिए, पढ़िए लिखिए, देश का नाम रोशन कीजिए। बस सिर्फ अपने माँ बाप पे ही भरोसा कीजिए, बाहर किसी व्यक्ति पे भरोसा मत कीजिए। धन्यवाद राजेश, बार बार मैं आपको बधाई देना चाहूँगी जो आपने इतना अच्छा काम किया। और आप सभी हमारे दर्शक जो देख रहे हैं इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जिस तरह पहले की अपेक्षा अब लड़कियों की उम्र 18 साल शादी की कर दी, पहले लड़कियों को मांग लिया जाता था, पहले उनकी शादी बचपन में ही कर दी जाती थी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहोगे? जो पहले समाज में क्या होता था, बेटियाँ 1-2 साल की होती तो उन्हें पहले ही फिक्स कर दिया जाता था भी आपकी शादी उसके साथ होनी है। लेकिन मैं आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटी की शादी नाबालिग एज में यानी कि 18 साल से पहले कर देते हैं। मैं उन सबको बताना चाहूँगी कि एक लड़की को परिपक्व होना बहुत ही ज़रूरी है, मेंटली भी और फिजिकली भी। सिर्फ शादी करना हमारा फर्ज नहीं है, उसको तैयार करना, उसे हर ढांचे में मोड़ना भी, इस परिवार भी चलाना कैसे है, उसको हर बात सिखाओ, उसको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से तैयार करो। और अपने बच्चों बेटियों की शादी 18 साल से पहले ना की जाए, कम से कम बीए करवाए, 21-22 साल की आपकी बेटी हो जाए, परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए, तभी उसकी शादी कीजिए। वरना इस सरकार ने ऐसा कानून बना रखा, अगर आप 18 साल से पहले शादी करोगे आप भी फंसोगे और छोटी सी नन्ही ही जान को भी फंसाओगे। 21 साल एज कर दिया, लेकिन मुझे लगता है अभी लागू नहीं की गई। हाँ, अभी लागू नहीं की गई, लेकिन होनी चाहिए 21 साल, मेरी तरफ से तो होनी चाहिए 21 क्या 25 के करीब होनी चाहिए कम से कम, ताकि पूरी तरह से माँ बाप भी तैयार हो जाए और एक बेटी भी तैयार हो जाए। मेरा यही मैसेज है समाज को कि आप अपनी बेटी को पढ़ाइए लिखाइए, मेंटली फिजिकली दोनों रूप से तैयार कीजिए और फिर उसकी शादी कीजिए, एक अच्छे इंसान को ढूंढिए। ये नहीं है कि आप देख दिया हाँ होगी शादी, उस लड़के के बारे में पूरा पता कीजिए ताकि दोनों परिवार सुरक्षित रहें, सेफ रहें, दोनों के बीच अच्छा मन। ये नहीं पहले क्या होता था भी दे दिया, हाँ शराब भी है कबाब भी है कोई बात नहीं, लड़की पाल लेगी परिवार में। लेकिन अब समाज बदल गया है, आप अपने बेटी कि जो शादी करते हैं उसको पूरे से ध्यान से देखिए भी बच्चा कैसा है, कैसा घर वाले हैं, उसको अच्छे से रखेंगे। और सबसे बड़ी बात, दहेज प्रथा को दूर कीजिए, अपनी बेटी को लालच में आकर किसी को ऐसे मत सौंपिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है, आपकी बेटी आपके घर की शान है, उजाला है, उसका ध्यान रखिए। और मैं फिर से अपने ग्राम पंचायत तारागढ़ की ओर से सबको बधाइयाँ दूँगी, बेटियाँ समाज का विभिन्न अंग हैं, बेटियाँ घर की शान है, इसे पालन पोषण कीजिए, शिक्षित बनाइए और समाज में पढ़ी लिखी बना के उनको बड़े बड़े पदों पर आगे ले जाने का प्रयास कीजिए। और बेटियों को भी मैं दोबारा से कहना चाहूँगी कि अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, अपने परिवार को पालिए, अच्छा पालन पोषण और अच्छे समाज का निर्माण कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब।